नमस्कार, बब्बीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों का रामबाण खजूर मेवा रोल। खजूर मेवा रोल सर्दियों का रामबाण कहा जाता है इसे, क्योंकि ये सर्दियों में बेहद ही लाभकारी होता है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। खरबूज लिए हैं मैंने, इसमें खरबूज के बीज और साथ में लिए तरबूज के बीज और थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, खसखस के बीज और मैंने लिया है ये ड्राई जिंजर पाउडर, सौंठ का पाउडर है ये, तो ये मैंने लगभग एक चम्मच लिया है। साथ में लिए हैं मैंने कुछ मखाने, खजूर मैंने लिए हैं उनको मैंने बीज निकाल दिए हैं, साथ में लिए हैं मैंने किशमिश। तो बस यही इंग्रेडिएंट्स हैं, इन्हें हमें ड्राई रोस्ट करना है। घी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं पर मैं नहीं कर रही हूँ, मैं इन्हें ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो मखाने ड्राई रोस्ट करेंगे हम और उसके बाद इसको दरदरा पीस लेंगे। साथ में हम बादाम को भी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। इसी के साथ हम सारे ड्राई फ्रूट जो हमारे हैं, काजू, बादाम, साथ में हमारे जो खरबूज और तरबूज के बीज हैं, उन सबको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे साथ में। तो इन सबको हमने बिना घी के इस्तेमाल के ड्राई रोस्ट किया है। आप चाहें तो घी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा स्वाद आ जाता है, बट आज हम इसे बिना घी के ही बना रहे हैं। साथ में मैंने ये जो खसखस है उसको भी ड्राई रोस्ट करके साइड में रख दिया है। तो ये हमारी खसखस तैयार है, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। इसी गर्म कढ़ाई में हम खजूर को भी डाल देंगे और खजूर जो है हमारे थोड़े सी देर चलाने के बाद सॉफ्ट हो जाएंगे। बस उतना ही हमें चलाना है, लगभग एक मिनट तक। इन्हें ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है। साथ में मैंने किशमिश भी ऐड कर दी है। हाथ से हम चेक करके देख लेंगे, ये खजूर जैसे ही सॉफ्ट हो जाते हैं वैसे ही इसे हम निकाल कर एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसका हमें बनाना है थोड़ा सा मोटा पेस्ट, मतलब इसको हमें चला देना है मिक्सी में ताकि हम इसे एक बाइंडिंग एजेंट के रूप में यूज़ कर सकें। तो चलिए, मखाने हमने दरदरे कूट लिए हैं, उसको हमने इस कढ़ाई में डाल दिया है। साथ में जो हमने ड्राई फ्रूट्स काट रोस्ट किए थे उनको भी मैंने ग्राइंड करके इसमें ऐड कर दिया है। खजूर और किशमिश भी हमारी तैयार है, पीस कर तैयार है, उसको भी हम ऐड कर देते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इकट्ठी करनी है, अच्छे से मिक्स करनी है। इसी में हम ऐड करेंगे अपना सौंठ का पाउडर जो हमने एक चम्मच लिया था। तो सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो चुकी हैं। खसखस का जो बीज थे भुने हुए, वो हमने साइड में रख दिए हैं, वो हम बाद में इस्तेमाल करने वाले हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो हाथों का इस्तेमाल करिए, अच्छे से इसको कंबाइन करिए। तो ये हमारा मिक्सचर जो है रेडी है, देखिए इस तरीके से। अब हम इसे हाथों की सहायता से प्रेस करते करते कंबाइन कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे सारे मिक्सचर को। इसमें हमने किसी चीनी, गुड़ या चाशनी का इस्तेमाल नहीं किया है। खजूर की काफ़ी अच्छी मिठास होती है, ड्राई फ्रूट्स में भी काफ़ी अच्छे उसके ऑयल्स होते हैं, तो हमें बिल्कुल भी बाहर से घी या कोई चीनी या कोई अलग से चीज़ें डालकर इसको, इसका जो टेस्ट है वो चेंज नहीं करना है। इसकी जो नेचुरल टेस्ट है, नेचुरल जो ऑयल्स हैं, उसी का इस्तेमाल करते हुए हम आज ये रोल बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो मैंने लिया है एक बटर पेपर, उसमें ये रोल मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है ताकि इसको हम फर्म रोल बना सकें। उसके लिए एक तरीका है, मैं ऐसे इस्तेमाल करती हूँ, बटर पेपर के ऊपर इसको रख देती हूँ और इसको हाथों की सहायता से, जो हथेलियाँ हैं उनसे प्रेस करते हुए मैं दबा दबा कर इस रोल को जो है टाइट कर देती हूँ, फर्म कर देती हूँ, ताकि ये हमारा जो खजूर रोल है वो अच्छा टाइट बनकर तैयार हो, बिल्कुल भी टूटे नहीं। तो बस तैयार है ये, हमने इसको रोल करना है जो हमने भुने थे खसखस, जो हमारे पॉपी सीड्स थे उनको रोस्ट किया था, उसी के ऊपर हम इसे रोल करेंगे। कुछ तो चिपक चुके, थोड़े बहुत बच्चे हैं, वो हम इसी के साथ डालेंगे ताकि ये अच्छे से फिर से चिपक सके, जितने भी इसके ऊपर हम चिपका सकते हैं। तो देखने में भी खूबसूरत लगता है और ये सेहतमंद भी होते हैं। तो चलिए इसको इस तरीके से हम फिर से बटर पेपर पर रैप करते हैं, प्रेस करते हैं अच्छे से। प्रेस करते हुए इसको अच्छे से रोल कर दीजिए, दोनों एंड्स को अच्छे से बटर पेपर से लॉक कर दीजिए और अच्छे से इसको रैप करके फ्रिज पे रख दीजिए एक घंटे के लिए। तो फ्रिज में हमने इसे एक घंटे के लिए रख दिया था। एक घंटे के बाद हम इसे निकालेंगे और देखिए ये तैयार है। लग रहा है ना काफ़ी खूबसूरत। एक्स्ट्रा जो खसखस है उसे आप झाड़ दीजिए और ये रोल हमारा रेडी है, इसको हम कट कर लेंगे। तो
मैंने इसको जो है एक गलती कर दी, इसे मैंने रेगुलर नाइफ से काटा है, आप जो है शार्प नाइफ लीजिएगा। मुझे जैसे ही मैंने इसे काटा मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि ये थोड़ा सा नाइफ जो है मुझे शार्प नाइफ लेना चाहिए था, तो अब मैंने इसे शार्प नाइफ से काटा है। नेक्स्ट टाइम जब मैंने जब रियलाइज़ किया तो मैंने अपनी जो चाकू है वो बदल दी, मैंने शार्प नाइफ लिया और उसके देखिए इतने अच्छे से शेप्स कट कर तैयार हुए हैं। तो इनको पीसेस में काटिए और इन्जॉय कीजिए। तो रेडी हैं ये हमारे खजूर मेवा रोल, तैयार हैं हमारे झटपट से बनने वाले स्वादिष्ट मेवा रोल्स। तो ये खजूर मेवा रोल आप भी बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसी तरीके की और भी फटाफट बनने वाली रेसिपीज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।